दोस्तों, अगर आपके पास एक वाईफाई है, अगर उस वाईफाई को किसी दूसरे को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको आपके जो वाईफाई का पासवर्ड है उन्हें बताना पड़ता है। फिर वो जो पासवर्ड है वो अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में जिसमें भी कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें इंटर करके कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे में आज आपको बताना चाहूँगा, आपके पास जो भी वाईफाई राउटर है या फिर वाईफाई डोंगल है या फिर मोबाइल का हॉटस्पॉट है, उसका आप एक QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उस QR कोड को कोई भी स्कैन करके आपका जो वाईफाई है उसे कनेक्ट कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसके थ्रू बहुत ही इजीली आप अपने वाईफाई का जो SSID और पासवर्ड है उसे इंटर करके वाईफाई का एक QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उस वाईफाई को जो भी स्कैन करेगा उसे वो कनेक्ट कर पाएगा। ये कौन सी वेबसाइट है, कैसे QR कोड को क्रिएट करना है, ये सब सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को दबा कर रख ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे फर्स्ट आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी यूज करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है मंकी QR कोड, जो सबसे फर्स्ट वाला वेबसाइट है आपके सामने देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं QR कोड को क्रिएट करने के लिए। आप एक URL का QR कोड क्रिएट कर सकते हैं, एक टेक्स्ट मैसेज का यहाँ पर आप QR कोड क्रिएट कर सकते हैं, किसी ईमेल का QR कोड और सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि बाकी चीज़ों का QR कोड कैसे क्रिएट करें तो इसका ऑलरेडी मैंने एक फुल वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हम बात करते हैं वाईफाई का QR कोड कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाईफाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पर वायरलेस SSID इंटर करना है, यानी कि आपका जो वाईफाई का नाम है। तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है इंटर कर देना है। यहाँ से जो इंक्रिप्शन है आपको चूज़ कर लेना है, WPA 2, इसको चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप कलर सेट करना चाहते हैं जो QR कोड का, तो यहाँ पर आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपका जो कलर है यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप QR कोड के ऊपर यहाँ पर बीच में कोई लोगो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना फ़ोटो या फिर कुछ और लोगो भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे लोगो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से अगर आप वाईफाई का लोगो चूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से आप अपलोड इमेज पर क्लिक करके आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में जो आपका फ़ोटो या फिर दूसरा किसी का फ़ोटो है उसे लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप जो QR कोड का डिज़ाइन है उसे आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपको यहां पर क्रिएट QR कोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका QR कोड है यहां पर कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको तीन फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। यहां से आप किसी एक फॉर्मेट को चूज़ कर सकते हैं या फिर डाउनलोड PNG पे क्लिक करके आप जो ये QR कोड है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो QR कोड है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। इस QR कोड को आप जिस किसी के साथ शेयर करते हैं या फिर इसे आप प्रिंट आउट करके कहीं बोर्ड पर लगा देते हैं तो जो भी कोई इस QR कोड को स्कैन करता है तो आपके जो वाईफाई है बहुत ही इजीली कनेक्ट कर पाएगा। इस वेबसाइट की मदद से आप बहुत ही आसानी से किसी भी वाईफाई का जो QR कोड है आप क्रिएट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल या सुझाव है वाईफाई के QR कोड को क्रिएट करने को लेकर तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।